फिल्मों में उनका नकारात्मक किरदार उनकी पहचान बन चुका था, लेकिन फिर अचानक कादर खान ने अपना रुख कॉमेडी की तरफ कर लिया। इसके पीछे भी एक गहरा राज है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उनके बेटे के सिर पे चोट लग गई थी, जिसके बाद कादर खान ने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मोहल्ले के बच्चों ने उसे पत्थर मारा क्योंकि उनका कहना था कि तेरा बाप विलन है। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो फिल्मों में नेगेटिव रोल नहीं करेंगे और उन्होंने अपना रुख कॉमेडी फिल्मों की तरफ कर लिया। भारतीय सिनेमा ने हमें आज तक कई सुपरस्टार दिए, लेकिन अक्सर हम सिर्फ फिल्मों के मेन लीड की तरफ ध्यान देते हैं। फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने फिल्म के हीरो या हीरोइन। 90 के दशक की फिल्मों का शौक रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो लेजेंडरी एक्टर कादर खान को ना पहचानता हो। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उन्हीं के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से। दोस्तों, कादर खान ने अपने जीवन में कई किरदार निभाए, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें पहचान मिली एक हास्य कलाकार के रूप में। वो फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे। उनका फिल्मों में होने का मतलब साफ होता था कि फिल्म में 8 से 10 सीन तो पक्का कॉमेडी होंगे। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, कादर खान ने नकारात्मक किरदार के साथ भी पूरी तरह से न्याय किया था। कादर खान का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। उनके 3 भाई हैं। कादर जब महज 1 साल के थे तब उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक म्यूनिसिपल स्कूल से पूरी की। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने इस्माइल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। शुरू से एक्टिंग और डायरेक्शन का शौक रखने वाले कादर खान ने अपने कॉलेज के दौरान ही नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया और नाटक डायरेक्ट भी किए। फिल्मों में आने से पहले वे कॉलेज में लेक्चरर थे और साथ ही नाटकों में भी अभिनय करते थे। एक बार कॉलेज के एनुअल फंक्शन में इन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया कि दिलीप कुमार ने इनका नाटक देखने की फरमाइश की। दिलीप कुमार साहब ने इनका अभिनय देखते ही इन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन किया। वो फिल्में थी सगीना महतो और बैराग। ये समय कादर खान के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके साथ ही उनका नाटक देखकर नरेंद्र बेदी भी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कादर खान से अपनी फिल्म जवानी दीवानी के लिए डायलॉग्स लिखने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राइटिंग की दुनिया में भी अपना कदम रखा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने डायलॉग्स के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी कई फिल्मों के डायलॉग्स कादर खान ने ही लिखे हैं। इसमें मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। कादर खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की साल 1973 में आई फिल्म दाग से। 1981 में आई सुपरहिट फिल्म नसीब में उन्होंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, साजन का घर, बेटा, प्यार का देवता, खून का कर्ज और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी बहुत सी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। फिल्मों में उनका नकारात्मक किरदार उनकी पहचान बन चुका था, लेकिन फिर अचानक कादर खान ने अपना रुख कॉमेडी की तरफ कर लिया। इसके पीछे भी एक गहरा राज है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन उनके बेटे के सिर पे चोट लग गई थी, जिसके बाद कादर खान ने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मोहल्ले के बच्चों ने उसे पत्थर मारा क्योंकि उनका कहना था कि तेरा बाप विलन है। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो फिल्मों में नेगेटिव रोल नहीं करेंगे और उन्होंने अपना रुख कॉमेडी फिल्मों की तरफ कर लिया। कादर खान ने गोविंदा के साथ भी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। इनकी जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया। इनकी सुपरहिट फिल्मों में हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, दुल्हे राजा, राजा बाबू, बड़े मियां छोटे मियां और हसीना मान जाएगी जैसे प्रमुख फिल्मों के नाम शामिल हैं। कादर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कैनेडा में वो अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान 81वें वर्ष में 1 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई।